तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के नए ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, टिकटॉक पर मिस्टर फैजू के साथ जो वीडियो वायरल अपलोड हो रहा है वो टिकटॉक पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज हम इसी के ट्यूटोरियल देने वाले हैं, मिस्टर फैजू के साथ टिकटॉक पर आप कैसे वीडियो बना सकते हैं। तो सिंपल, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से कैनवेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। कैनवेस्ट एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप आ सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और मैं बताऊँगा इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से शूट कर लेना है। जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना है 50% पार्ट जो है आपको खाली रखना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन से कैनवास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद 16:9 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किया था वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो वीडियो में हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, यहाँ ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद वीडियो के आगे तरफ लेकर आना है। इसके बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, इसके बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रिम टू राइट कर देना है। तो यहाँ पे राइट साइड का भी जो पार्ट एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब वीडियो जो आपको शूट करना है 15 सेकेंड के आसपास वीडियो शूट करना है। इसके बाद आपको लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमें ब्लू स्क्रीन वाले वीडियो है वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको आपको सही तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। इसके बाद क्रोमा की पे आना है और क्रोमा की यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। क्रोमा की को इनेबल कर दिया। जब भी आप क्रोमा की इनेबल करते हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कलर की जो है आपको यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट करना है। इसके बाद और इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा हल्का इसे नीचे कर देना है। इसके बाद जो हमारा पहले एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर सकते हैं या फिर वीडियो को आप थोड़ा सा स्लो मोशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें वीडियो यहाँ पे 15 सेकेंड के आसपास चाहिए। इसके बाद लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। कैंची के निशान पर क्लिक करना है, लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा वीडियो में से जो आईडी होगा वो आईडी वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हमें इस वीडियो का हमारा काम हो चुका है तो पहले हम इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा आईडियो एक्स्ट्रा है पहले उसे हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है प्रॉपर एडिट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। इसके बाद हमें डन कर देना है। डन कर देने के बाद शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा यहाँ पर वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के चैनल पे अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।